नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक और नया मोबाइल फोन लेके आए हैं जो है वीवो कंपनी का Y56। जी हां गाइस, नया मोबाइल लॉन्च हुआ है वीवो कंपनी का Y56 5G। आज इस वीडियो में हम देखेंगे इसके बॉक्स कंटेंट में हमें क्या क्या मिलता है, इसके रैम रोम प्रोसेसर किस तरह दिए गए हैं, ये मोबाइल फोन की बैटरी कैसी है, इसकी चार्जिंग लुक डिजाइन किस तरह से दिया गया है, इसके साथ साथ हम इसकी प्राइसिंग भी पता करेंगे, मोबाइल फोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए भी पता करेंगे। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे हमारे और आप सभी चैनल टीम एक्सप्लेन वर्ल्ड में। तो चलिए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा Vivo Y56 5G मोबाइल फोन का बॉक्स। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, नॉर्मल बॉक्स दिया है Vivo Y सीरीज के जैसे आते हैं। टॉप साइड में अगर आप देखोगे तो इसमें आपको रैम रोम के बारे में बताता है, जो कि हमारा वेरिएंट 8GB रैम 128GB इंटरनल के साथ है। बैक साइड में कुछ बेसिक सी डिटेल मिल जाती है जो कि हम आपको आगे बताएंगे। तो जल्दी जल्दी से ओपन करते हैं और देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बॉक्स कंटेंट में हमको क्या क्या मिलता है। सो गाइस, बॉक्स ओपन करना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेल फोन मिलता है जिसे हम साइड में रखते हैं। उसके बाद मिलता है हमें एक बैक कवर जो कि एक डिसेंट क्वालिटी का दिया हुआ है। बैक साइड का देख सकते हो आपका कैमरा सेटअप इसका बड़ा हुआ है, इस वजह से उन्होंने बहुत बड़ा होल दिया हुआ है। इसके अलावा मिलता है हमें कुछ मैनुअल बुक्स वारंटी कार्ड जो कि कोई पढ़ता नहीं, हम भी नहीं पढ़ेंगे, इसे साइड में रखते हैं। उसके बाद मिलता है हमें एक चार्जिंग अडेप्टर जो कि 18W फास्ट चार्जिंग के लिए हमें दिया हुआ है। उसके बाद मिलता है हमें एक चार्जिंग केबल प्लस डाटा केबल जो कि टाइप A2C है। उसके बाद मिलता है हमें सिम इजेक्ट टूल। तो देखा जाए तो दैट्स इट, बॉक्स के अंदर हमें इतना ही मिलता है। तो चलिए अब इन सबको साइड में रख के हम हमारे मोबाइल फोन के फर्स्ट लुक के ऊपर आते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारे मोबाइल फोन का फर्स्ट लुक। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, डिजाइन बहुत अच्छा दिया गया है और आपको बता दूं ये सिमिलर आपको Vivo Y100 के समान इसका डिजाइन मिलेगा। इसके अलावा जो बैक पैनल का कलर है वो है ब्लैक इंजन कलर, जो एक अच्छा कलर दिख रहा है, डिजाइन अच्छा दिया है। सेम डिजाइन आपको Vivo Y100 का मिलता है, वैसे सेम डिजाइन इसमें भी देने की कोशिश की गई है। थोड़ा बहुत चेंजेस किया हुआ है, बाकी नॉर्मल अच्छा दिया हुआ है। उसके अलावा क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है, डिजाइन का बहुत अच्छा दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें एक और कलर आता है जो है ऑरेंज शिमर। इसके अलावा अगर आप नीचे साइड में देखोगे तो आपको वहाँ पे स्पीकर, चार्जिंग कनेक्टर, माइक और 3.5mm ऑडियो जैक मिलता है। अदर साइड में आपको वॉल्यूम अप डाउन की और ऑन ऑफ स्विच मिलती है। टॉप साइड में देखोगे तो आपको सिम ट्रे मिलता है जिसमें आप दो सिम कार्ड या एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, क्योंकि एक हाइब्रिड स्लॉट दिया हुआ है। तो चलिए हम हमारे मोबाइल फोन को स्टार्ट करके देखते हैं कि इसके आगे इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। सो गाइस, हमारा मोबाइल फोन स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये एक वी नॉच डिस्प्ले दिया गया है जो कि 6.58 इंचेस का फुल HD प्लस एमुलेट डिस्प्ले मिलता है, जिसके स्क्रीन रेफ्रेश रेट की बात किया तो आपको 60 हर्ट्स का पड़ता है, जो कि आई थिंक बहुत कम है, क्योंकि इसमें कम से कम 90 हर्ट्स का स्क्रीन रेफ्रेश रेट होना चाहिए था, बट इन्होंने 60 हर्ट्स का ही दिया हुआ है। इसके अलावा चलने उलने में बहुत स्मूथ है मोबाइल फ़ोन। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसकी रैम रोम प्रोसेसर में हमको क्या क्या मिलता है। सो गाइस, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, फ्रंट टच OS के लेटेस्ट वर्जन 13 पे मिलता है, जिसमें आपको MediaTek Dimensity 700 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है जो कि एक 5G प्रोसेसर है। इसके अलावा ये जो वेरिएंट है 8GB रैम और 128GB इंटरनल में आता है, जिसमें आपको 8GB रैम एक्सपेंड करके मिलती है। इसके अलावा आपको इंटरनल मेमोरी भी एक्सपेंड करने का ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा ये एंड्रॉइड वर्जन आपको 13 पे मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको 5000mAh की बैटरी भी मिलती है और 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है। इसके अलावा कैमरे की बात करें तो आपको बैक कैमरा 50MP का डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 50MP का नाइट कैमरा, उसके अलावा 2MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है। इसके अलावा फ्रंट कैमरे की बात करें तो आपको 16MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फंक्शन मिलते हैं। कैमरा क्वालिटी के हिसाब से देखेंगे तो एक अच्छा फ़ोन बोल सकते हो, क्योंकि कैमरे के फंक्शन इसमें अच्छे दिए गए हैं। इसके अलावा फोटो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, फोटो क्वालिटी हमने खींच के देखी है। नॉर्मली देखा जाए तो फोटो क्वालिटी इनकी अच्छी ही होती है, नॉर्मल खराब होने के चांस कम रहते हैं, बट एक समय के बाद थोड़ी बहुत डल होने के चांस हो जाते हैं, बट नॉर्मली अभी देखोगे तो आपको कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है इसमें। इसके अलावा अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करूँ तो इसमें आपको साइड मोड में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है ऑन ऑफ स्विच के साथ अटैच, जो कि काम करने में बहुत अच्छा काम करता है, वन टच में मोबाइल ऑन ऑफ हो जाता है। इसके अलावा इसमें आपको फेस लॉक भी मिलता है, देखा जाए तो फेस लॉक भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। गेमिंग के लिए भी एक अच्छा फोन है, बट इसमें आपको स्क्रीन रेफ्रेश रेट थोड़ा कम दिया गया है। आपको अगर 90Hz का कम से कम मिलता तो भी एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता था, पर देखा जाए तो इसमें 60Hz का मेरे ख्याल से थोड़ा कम पड़ता है आपको। फिर भी आप इसमें गेमिंग कर सकते हो, इसमें आप PUBG, फ्री फायर, COD जैसे गेम इसमें आसानी से खेल सकते हो। अब इसकी अगर प्राइस रेंज की बात करूँ तो ये जो 8GB वाला वेरियंट है आपको 20,000 के रेंज में मिल जाता है, और इसमें एक 4GB वाला वेरियंट भी आता है जो आपको 18,000 के रेंज में मिलेगा। दोनों में आपको 128GB इंटरनल मिलती है। 4GB वाले वेरियंट में आपको 4GB रैम एक्सपेंड करके मिलती है और 8GB वाले वेरियंट में 8GB करके मिलती है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो मोबाइल फोन थोड़ा सा ओवर बजट बोल सकता हूं मैं, है कम से कम 1-1.5 हज़ार में ओवर बजट है, क्योंकि इसमें आपको स्क्रीन रेफ्रेश रेट कम मिलता है, अराउंड 90Hz का रहता तो बहुत अच्छा हो जाता है। प्रोसेसर ठीक ठाक दिया है, रैम रोम अच्छा दिया है, बैक साइड कैमरा का ट्रिपल कैमरा सेटअप होता तो बहुत अच्छा हो जाता था, इन्होंने डबल दिया हुआ है। उसके अलावा बाकी अगर ओवरऑल देखोगे तो मोबाइल फोन अच्छा दिया गया है, बजट के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है, बट क्वालिटी वाइज देखोगे तो बहुत अच्छा दिया हुआ है। प्रोसेसर अच्छा है, रैम रोम भी अच्छी दी गई है, कैमरा सेटअप भी ठीक ठाक दिया हुआ है, कलर डिज़ाइन भी इसके अच्छा है, लुक के लिए भी बहुत अच्छा है, चार्जिंग स्पीड और बैटरी सब कुछ अच्छा मिलता है इसमें।
बस थोड़ा सा स्क्रीन रिफ्रेश रेट कम मिलता है, वो एक थोड़ा सा मिसमैच पॉइंट है। आपको 90 हर्ट्ज का देते तो बहुत अच्छा था, क्योंकि 20,000 की रेंज में कम से कम 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट होना चाहिए था, जो देखा जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है। बाकी इसके अलावा सारी चीज़ें इसमें अच्छी मिल जाती है आपको, कैमरा डिस्प्ले साइज अच्छा मिलता है, डिस्प्ले की क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलती है, और इसे आप बाय भी आसानी से कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट में आपको कहीं से भी मिल सकता है। सो दैट्स इट, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।